तो गाइस सबसे पहले आप लोग हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे लाइव प्रूफ यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे लिए जो लोन ऑफर हुआ वो 50,000 का हुआ। हम यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले भी चुके हैं। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है एयरटेल फाइनेंस से, अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो 9,00,000 रुपये तक का राशि यहाँ से लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे, कोई भी इनकम प्रूफ देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे आप लोगों को 9,00,000 तक का राशि दिया जाता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे 50,000 का स्टार्टिंग में ही मिला है और उसके बाद समय से यहाँ पर रीपेमेंट करेंगे तो बड़ा अमाउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं एयरटेल फाइनेंस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग आएंगे प्ले स्टोर पर, आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है एयरटेल थैंक्स लिख करके सर्च करेंगे तो इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। इसी एप्लीकेशन को आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइनअप करने होंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर है उस नंबर से यहाँ पर आप लोग अपना साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने एक नई पेज आएगा जो कि कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे अलाउ वाले पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही अलाउ वाले पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोग के सामने अब कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को अपना ओपन अकाउंट का भी ऑप्शन आता है, एयरटेल फाइनेंस का ऑप्शन आता है। तो एयरटेल फाइनेंस वाले पे अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद 1-2 सेकंड यहाँ पर रिफ्रेश होगा और उसके बाद आप लोग के सामने एक नए पेज आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लोन अमाउंट की अगर बात करें गाइस तो यहाँ से लोन अमाउंट जो है आप लोगों को यहाँ पे पूरे 10,00,000 तक का लोन जो है दिए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे चाहे तो मिनिमम जो है 5,000 से लेकर के मैक्सिमम यहाँ पर 10,00,000 तक का, 5,00,000 तक का, 50,00,000 तक का राशि चाहिए तो यहाँ पर ले सकते हैं। टेनवर की अगर बात कर ले गाइस तो 1 सालों से लेकर के आप लोगों को यहाँ पे पूरे 360 मंथ का समय दिया जाता है। तो जितना अमाउंट आप लोग लेना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पर ले सकते हैं। 10,00,000 तक का राशि, जितना राशि चाहिए उतना आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल लोन का, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे लोन वाले पे क्लिक करेंगे गाइस तो हमारा यहाँ पर देखेंगे गाइस कि पहले से मेरा यहाँ पे लोन लिया हुआ है। हम यहाँ पे ऑलरेडी लोन को ले चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कि मुझे जो यहाँ पे लोन मिला है वो DMI फाइनेंस की तरफ से यहाँ पे लोन अप्रूवल मिला है। कितना का अमाउंट लिया हूँ मेरा यहाँ पर देखेंगे, 50,000 रुपये का लोन हम यहाँ पर लिए हुए हैं जो कि 12 मंथ के लिए इस लोन को लिए हैं। तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो 32% यहाँ पर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट वो यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पे टोटल 1 सालों के लिए लिए थे यानी कि 12 मंथ के लिए, तो हमारा यहाँ पे 8 मंथ का EMI जो है वो यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, जो कि आप लोग देखेंगे 8 मंथ का EMI पैड हो चुका है। और ड्यूज में यहाँ पर देखेंगे कि 4 EMI अभी फ़िलहाल यहाँ पर बाकी है। ड्यूज अमाउंट जो बाकी है वो यहाँ पर दिया गया है कि 19,696 रुपये अभी फ़िलहाल अमाउंट बाकी है, जो कि 4 EMI के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करेंगे। बाकी व्यू वाले पे अगर क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे आप लोग लोन का डिटेल से देखेंगे कि लोन अमाउंट हम यहाँ से जो लिए थे वो 50,000 का राशि था। बाकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगाए गए थे वो 2,000 रुपये था। उसके बाद GST जो यहाँ पर लगा था वो 360 रुपये था। लोन जो हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा क्रेडिट किया गया था वो था 47,640 रुपये। मंथली EMI जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है 4,949 रुपये का। तो ये लोन डिटेल्स है, हम यहाँ से 50,000 रुपये का लोन लिए हुए हैं, जिसका लोन का डिटेल्स ये है कि मुझे यहाँ पे 50,000 का राशि मिला हुआ है। मुझे 1,00,000 का अमाउंट अप्रूवल मिला था लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 50,000 का राशि लिया हूँ। बाकी इसका लोन की पूरी डिटेल्स अगर आप लोग देखना चाहे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। व्यू यहाँ पे EMI स्टेटमेंट है तो हम इस वाले पे क्लिक करेंगे और इसका स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि किस किस डेट को हम यहाँ पर रीपेमेंट किए हैं। सभी EMI का डेट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पहला EMI हम कब पेमेंट किए थे और कितना पेमेंट किए थे।
सेकंड ईएमआई हम कब पेमेंट किए थे और कितना पेमेंट किए थे, थर्ड कितना किए थे, फोर्थ कितना किए थे, फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब कि एक एक करके सभी ईएमआई मेरा यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। जबकि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि वन टाइम सभी पे लिखा हुआ है कि मेरा पैड यहाँ पे हो चुका है, बाकी का यहाँ पे चार ईएमआई जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पे बाकी है जिसको मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे भी लोन का पूरा डिटेल्स दिया गया है कि टोटल अमाउंट जो यहाँ पे पेमेंट मैं कर चुका हूँ 39,392 रुपये, टोटल ईएमआई अमाउंट यहाँ पे 19,696 रुपये जो कि अभी फिलहाल बाकी है। रिमाइनिंग में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल पैड 8 ईएमआई, रिमाइनिंग में 4 ईएमआई है जो कि बाकी है। मंथली ईएमआई 4,924 रुपये का बना हुआ है और लोन स्टार्ट कब हुआ था वो डेट आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 15 सितंबर 2023 को हम इस लोन को यहाँ पर लिए थे और उसके बाद से मेरा यहाँ पर ईएमआई चल रहा है जो कि 8 ईएमआई अभी तक हम इसके अंदर जो है वो पेमेंट कर चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोन जो लिए हैं वो किसके तरफ से मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया था, इसका लेंडिंग पार्टनर जो है वो इसके अंदर है डीएमआई फाइनेंस, जिसके तरफ से मुझे यहाँ पे लोन ऑफर दिया गया है डीएमआई फाइनेंस के तरफ से मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिला था। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है गाइज तो आप लोग यहाँ पर एयरटेल फाइनेंस के अंदर, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे कई लेंडर 9 लाख रुपए तक का राशि यहाँ पर दिए जाते हैं, तो आप लोग को हो सकता है अलग लेंडर हो। हमारे केस में जो आया वो डीएमआई फाइनेंस आया और मैं यहाँ पे 50,000 का राशि इस एप्लीकेशन से लिया हूँ जो कि आप लोग यहाँ पर देखिए एयरटेल फाइनेंस है। इसमें लोन का ऑप्शन से 9 लाख तक का राशि यहाँ से लोगों को दिए जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो गाइज मैंने आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ यहां पर बताए हैं कि एयरटेल फाइनेंस के अंदर लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जैसे कि मैं यहां पे 50,000 का लोन लिया हूं जो कि पूरी डिटेल में आप लोगों को बताए हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आप लोग पूरा स्टेप बाई स्टेप जब मैं यहाँ पर अप्लाई किया था वह वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, अगर आप लोग वह वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे कि कैसे इसके अंदर अप्लाई किया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस उस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो वह वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे और उसके बाद लोन यहाँ से अप्लाई करके 10 लाख तक का लोन आप लोग भी यहाँ पर ले सकते हैं सिर्फ आधार और पैन से। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।